नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीएम भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए नवागढ़ विधानसभा रवाना होने से पहले रायपुर हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान राजभवन से फिर भेजे गए सवाल पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि संविधान की व्यवस्था है जिसके माध्यम से राजभवन से सवाल पूछे जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि विधानसभा में पारित होने के बाद बिल राजभवन में जाता है। इसमें तीन स्टेज हैं और या तो वो विधानसभा को लौटा दे या राष्ट्रपति को भेज दे या आरक्षित रख ले। तो आरक्षण बिल को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। बिल डिले करने का कोई फायदा नहीं है, उन्होंने कहा है ऐसा। आपको बता दें कि आरक्षण बिल को लेकर एक बार फिर से सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिल डिले करने का कोई औचित्य वजह नहीं है। साथ ही बता दूं, उन्होंने कहा कि संविधान की व्यवस्था है जिसके माध्यम से राजभवन से सवाल पूछे जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि विधानसभा में पारित होने के बाद बिल राजभवन में जाता है और इसके तीन स्टेज भी होते हैं, या तो वो विधानसभा को लौटा दे या राष्ट्रपति को भेज दे या आरक्षित रख ले। यह प्रॉपर्टी विधानसभा की है और अब बिल भी पारित हो गया है, तो इसे डिले करने का कोई औचित्य नहीं है। सीएम ने कहा कि एकात्म परिसर से जो 10 सवाल आए हैं उसका भी जवाब दे दिया गया है। जो बिजली बिल में जो वृद्धि हुई है वो वेरिएबल कास्ट एडजस्टमेंट VCA के रूप में हुआ है और ये सही मायने में बिजली हमको दो तीन प्रकार से मिलता है। एक राज्य सरकार के जितने थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जितने हमारे यूनिट है उसके माध्यम से बिजली मिलती है। दूसरा बिजली मिलता है हमको NTPC से, मेजर जो मिलता है NTPC से, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन से। तो इस बीच गंगापुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वार्ड बॉय ने महिला डॉक्टर पर हमला कर दिया। बड़ी खबर इस वक्त की गंगापुर से। आपको बता दें कि गंगापुर इलाके के निजी अस्पताल का ये पूरा मामला है। सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले औजार से वार्ड बॉय ने हमला किया। हमले में महिला डॉक्टर बुरी तरह से जख्मी हो गई। पुलिस की गिरफ्त में हालांकि वार्ड बॉय आ चुका है। मामले विवाद में दिया है वारदात को अंजाम और ये पूरी घटना CCTV कैमरे में भी कैद हो चुकी है। हमले की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद। गंगापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। वार्ड बॉय ने एक महिला डॉक्टर पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि मामले विवाद में वार्ड बॉय ने हमला किया है और हालांकि पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए आरोपी वार्ड बॉय को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामले विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया और वारदात की पूरी घटना पास के ही लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। गंगापुर इलाके के एक निजी अस्पताल का ये पूरा मामला है जहां वार्ड बॉय ने महिला डॉक्टर पर हमला किया। सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले औजार से हमला किया है और ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं उस घटना की जब वार्ड बॉय ने औजार से महिला डॉक्टर पर हमला किया था। बताया जा रहा है कि किसी मामूली विवाद को लेकर वार्ड बॉय ने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि अब पुलिस की गिरफ्त में ये वार्ड बॉय आ चुका है। पूरा मामला गंगापुर से, गंगापुर के एक निजी अस्पताल का ये पूरा मामला है। निजी अस्पताल की ये वीडियो बताई जा रही है। हालांकि ये पूरी वारदात पास के ही लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो सरगुजा के मैनपाट से रायगढ़ जिले के काबू को जोड़ने वाले मार्ग पर जली कार में एक व्यक्ति का शव मिला है। आपको बता दें कि मृतक की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। ये पूरा मामला सरगुजा से है जहां पर
देखने से यह पता चल रहा है कि किसी संदिग्ध प्रतीत होता है शव कार के पिछली सीट पर जले अवस्था में पड़ा हुआ मिला, इसलिए हत्या कर कार सहित शव को जला देने का भी संदेह है। वहीं कार में आग लगने के कारण भी व्यक्ति की जलकर मौत की संभावना जताई जा रही है। मैनपाट और कापू पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। ये घटनास्थल की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पूरा मामला सरगुजा से है जहां पर एक व्यक्ति का शव मिला। हालांकि शव किसकी है अभी तक पुलिस इस बात की जानकारी नहीं लगा पाई है, और यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है किसी के द्वारा हत्या कर शव को जलाया जा रहा हो, या फिर कार जलने की वजह से भी व्यक्ति की मौत हो गई हो। ग्यारह बजे कापू पुलिस को जानकारी मिली, सूचना मिली कि मैनपाट और कापू के जो सरहदी क्षेत्र है यहाँ पर घाट पर एक गाड़ी खड़ी है जो कि जल रही है, और करीब से जाकर देखने पर उसमें गाड़ी में पीछे एक शव जो है वो भी संदिग्ध स्थिति में दिख रहा है। अभी फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर मौके पर हमने बुला ली है। धर्मजगढ़ के कापू थाना क्षेत्र और मैनपाट थाना के सीमावर्ती इलाके में खेकसारी मोड़ के पास एक सनसनीखेज दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां ये देखा जा रहा है कि एक स्विफ्ट कार बताया जा रहा है कि पूरी तरह से जल चुकी है, और उस स्विफ्ट कार के डिक्की में एक लाश जलकर पड़ी हुई है जो पूरी तरह से जल चुकी है। शिनाख्त कर पाना फिलहाल नामुमकिन सा नजर आ रहा है। और वहीं बता दें कि कापू थाना क्षेत्र के पुलिस और मैनपाट पुलिस के संयुक्त कार्रवाई फिलहाल जारी है। धर्मजगढ़ एसडीओपी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद है और फिलहाल जांच चल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह स्विफ्ट कार है जो पूरी तरह जलकर राख हो चुकी है, और उसी के डिक्की में एक शव जलकर वो भी राख हो चुका है। फिलहाल हड्डी पे एक चूड़ी नुमा कोई वस्तु है, उसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद शव जो है वो महिला की होगी। फिलहाल धर्मजगढ़ कापू पुलिस और मैनपाट पुलिस की संयुक्त कार्रवाई जारी है और सघन जांच कार्रवाई की जा रही है। धर्मजगढ़ से हर खबर के लिए शेख आलम। तो धर्मजयगढ़ ब्लॉक के दुर्गापुर कोल माइंस को लेकर ग्रामीण और एसईसीएल के बीच मुआवजा निर्धारण में सहमति बनती नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि प्रभावित गांव की ग्रामीण ने धर्मजयगढ़ एसडीएम दिगेश पटेल को बीते दिनों मुआवजा निर्धारण करने संबंधित आवेदन भी दिया था, और इसी क्रम में ग्रामीणों और कंपनी के अधिकारियों के बीच बैठक का आयोजन भी किया गया। तकरीबन डेढ़ घंटे तक चले इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई। बता दें कि ग्रामीणों ने अधिक से अधिक मुआवजा और पुनर्वास नीति सहित कई प्रमुख विषयों को रखा है, जिसमें कई दिक्कतों का सामना किया गया, जिसके लिए आगे भी और कई बैठकें का दौर चलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बैठक आयोजित किया गया है और उस बैठक में जो किसानों के कुछ डाउट्स थे, कुछ उनके शंकाएं थी कि भूमि का मुआवजा कितना मिलेगा, पुनर्वास नीति कैसी रहेगी, उस संबंध में उनको अवगत कराया गया है। और जो अधिक से अधिक मुआवजा हो सकता है, जो अधिक से अधिक उनके लिए लाभदायक पुनर्वास नीति हो सकती है। रिजल्ट तो कुछ नहीं निकला है। हम लोग लंबे समय से एक संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे जमीन का मुआवजा और जो मूल अधिकार है किसानों का, वो किसानों को मिले। लेकिन विगत 9 वर्षों से एसईसीएल के लोग ढूल मूल बात और किसानों को भ्रमित करने की उनकी जो मंशा है वो प्रदर्शित होता है बीच बीच में। कोई सार्थक पहल उनके तरफ से नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में किसान यहाँ एकजुट है और अपने जमीन का उचित मुआवजा एवं विभिन्न प्रकार के मांगों को लेकर सभी किसान एकजुट हैं। बायसी कॉलोनी, दुर्गापुर कॉलोनी जैसे 7 गांव के जो प्रभावित किसान हैं, उनके प्रतिनिधियों के साथ और एसईसीएल के मध्य आज एक बैठक आयोजित किया गया है। और उस बैठक में जो किसानों के कुछ डाउट्स थे, कुछ उनके शंकाएं थी कि भूमि का मुआवजा कितना मिलेगा, पुनर्वास नीति कैसी रहेगी, उस संबंध में उनको अवगत कराया गया है। और जो अधिक से अधिक मुआवजा हो सकता है, जो अधिक से अधिक उनके लिए लाभदायक पुनर्वास नीति हो सकती है।
तो खबर जांजगीर चांपा से, जहां पर तहसीलदार की दादागिरी सामने आई है। बता दें कि धानमंडी तुलसी में वीडियो बना रहे व्यक्ति का मोबाइल छीनकर दुर्व्यवहार करते हुए जेल भेजने की तहसीलदार ने धमकी दी है। बता दें कि यह पूरा मामला जिला जांजगीर चांपा के तहसील शिवरी नारायणगढ़ का है, जहां पर जनता और शासन के बीच इस तरह का व्यवहार देखने को मिल रहा है। पूरा मामला जांजगीर चांपा से, जहां एक तहसीलदार का वीडियो सामने आया। आपको बता दें कि यहां तहसीलदार ने वीडियो बना रहे व्यक्ति का मोबाइल छीनकर जेल में डालने की धमकी दी है। हर खबर देख रहे हैं आप डंके की चोट पे और मैं हूं ओम प्रकाश कश्यप। अभी मैं जिला जांजगीर चांपा के तहसील शिवरीनाथ में मौजूद हूं। एक भैया जी पहुंचे, उससे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रजन कुमार है और ग्राम भटली का रहने वाला हूं। जी, क्या कुछ समस्या है बताएंगे? मेरे जमीन के सामने, निजी जमीन के सामने सरकारी जमीन पे कब्जा कर किए हैं और जबरदस्ती इससे लगने के बावजूद काम कर रहे हैं जी। लगातार काम कैद करने के बावजूद भी वो तैयार कर दिए और तहसीलदार साहब अभी कुछ नहीं कर सका जी। क्या कुछ समस्या है उसको बताएंगे? क्या फिर घटा आपके साथ घटना घटी? मैं तहसील में आया था जी, तो उस समय तहसीलदार पटवारी साहब ने वहाँ फोन किया मेरे पास जी कि आप भटली आओ तुरंत जी। अब वहाँ आए हैं तहसीलदार साहब करके जी, तो मैं जा रहा था जी, तो मेरे को 15-20 मिनट वहाँ लग गए, लेट हो गया जी। वो लोग वापस आ गए जी और मंडी में कुछ ये कर रहे थे वहाँ पे। कौन सा मंडी है? तुलसी मंडी में जी। क्या बोले? तो मैं वहाँ पे पहुँचा, मैंने मोबाइल को चालू कर लिया जी और उनके पास गया जी। तो तहसीलदार महोदय ने कहा कि आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हो क्या? मैंने बोला देख लीजिए भाई, तो रिकॉर्ड हो रहा था, तो मेरे को डांटने लगा कि आपको मैं जेल भेज दूँगा ऐसे करके। काम तो कर रहे हैं ऐसे करके मेरे को बोल रहा है। अच्छा, मतलब आप जो वीडियो बना रहे थे तो वीडियो को आपके पॉकेट से निकाले हैं, छीने हैं या आपने दिए हैं, क्या कुछ है? नहीं, वो खुद निकाले हैं। अच्छा, आपके पॉकेट से तहसीलदार ने निकाल लिया और आपको धमकी देने लगी है, कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मतलब जेल भेज दूंगा, मतलब आप वीडियो बना रहे हो ऐसा बोलकर बोलने लगे आप? हाँ, जेल भेज दूंगा, आप वीडियो क्यों बना रहे हो ऐसे करके। अच्छा, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है, ये कहा जा सकता है यहाँ के जो तहसीलदार हैं उसके द्वारा दादागिरी कहा जा सकता है, क्योंकि भाई स्वतंत्र हैं, लोग कहीं भी वीडियो बना सकते हैं और कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। जो वीडियो बना रहे थे, गुप्त रूप से वीडियो बना रहे थे, वो वीडियो बनाने का सभी को अधिकार रहता है, कहीं भी जाकर वीडियो बना सकते हैं। तो वहीं शेवगांव में सरकारी राशन, गेहूं और चावल की तस्करी की जा रही है, इसलिए जिला आपूर्ति विभाग को इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। शेवगांव थाने के पुलिस निरीक्षक विलास पुजारी को 24 दिसंबर को एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद रेणुका नगर इलाके से सरकारी राशन के चावल को ऊंची कीमतों पर बिक्री के लिए काला बाजार में ले जाते समय शिवगांव पुलिस ने चावल से भरे एक ट्रक पर छापा मारा। यह पूरा मामला शिवगांव से है, जहां सरकारी राशन, गेहूं और चावल की तस्करी की खबर मिली, जिसके बाद जिला आपूर्ति विभाग ने कार्रवाई भी की। आपको बता दें कि 24 दिसंबर को सूचना के आधार पर रेणुका नगर इलाके से सरकारी राशन के चावल को ऊंची कीमतों पर बिक्री के लिए काला बाजार में ले जाते समय शिवगांव पुलिस ने चावल से भरे एक ट्रक पर छापा मारा है। यह कार्रवाई शिवगांव पुलिस के द्वारा की गई है, गुप्त सूचना के आधार पर। तो खबर महासमुंद से, जहां लकड़ी तस्करी पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ओडिशा से छत्तीसगढ़ की लकड़ी की तस्करी की जा रही थी और जिसकी जानकारी मिलते ही विभाग ने एक ट्रक लकड़ी को छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर जब्त किया। आपको बता दें कि जब्त लकड़ी की कीमत लाखों में बताई जा रही है। ये पूरा मामला महासमुंद से, जहां लकड़ी की तस्करी पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और ओडिशा से छत्तीसगढ़ की लकड़ी तस्करी की जा रही थी, ऐसी सूचना मिली थी और सूचना मिलने के बाद विभाग ने एक ट्रक
लकड़ी को छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर जब्त किया है। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहां। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि कोरिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गुरुघासी दास राष्ट्रीय उद्यान में बाघ की मूवमेंट, पर्यटकों को दिखा बाल मगड़ी पहाड़ के पास बाघ। पर्यटकों ने बाघ का वीडियो भी बनाया। बाघ की मूवमेंट पर टीम की नजर, डीएफओ पार्क में की है 5 बाघों की पुष्टि। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कोरिया से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां एक बाघ को देखा गया है। हालांकि अब इस पर पैनी नजर भी है विभाग की। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, कोरिया से जहां एक बाघ की मूवमेंट को लेकर विभाग अलर्ट मोड पे आ गया है। ये इसी इलाके की तस्वीर है, जंगल की तस्वीर है। वीडियो में साफ तौर पर बाघ को देखा जा सकता है। हालांकि अब विभाग अलर्ट मोड पर है, और जिस पर्यटक ने इस बाघ को देखा था उसने इसका वीडियो भी बनाया, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इसके बाद डीएफओ पार्क ने 5 बाघों की पुष्टि भी की। ये पूरा मामला कोरिया से पर्यटक के बाघ के देखने के बाद इसका वीडियो बनाया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल भी है। और अब विभाग भी अलर्ट मोड पर आने के बाद 5 बाघ की डीएफओ के द्वारा पुष्टि की गई। तो खबर राजनांदगांव से, जहां पर एक होटल बिलीस इंटरनेशनल में नए साल को लेकर तैयारियां जोरों पर है। आपको बता दें कि अगर आप भी कपल या फैमिली हैं तो आप नए साल में धूम मचा सकते हैं। इस नए साल को स्पेशल बनाएं और 31 दिसंबर को होटल बिलीस जरूर जाएं। तो नए साल की तैयारी को लेकर राजनांदगांव में बिलीस इंटरनेशनल में नए साल को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। तैयारियां लगभग पूरी है, और इसी कड़ी में अगर आप भी कपल या फैमिली के साथ रहते हैं तो आप नए साल को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए इस होटल में जा सकते हैं। तो खबर डोंगरगढ़ से, जहां पर सहायक आंतरिक लेखा और करारोरण अधिकारी छत्रपाल ठाकुर का जनपद पंचायत छुरिया में संलग्नीकरण किया गया। साथ ही शासन के आदेश एवं निर्देशानुसार किसी भी कर्मचारी का संलग्नीकरण नहीं किया जाना था, और ना ही छत्रपाल ठाकुर पर ना तो कोई शिकायत है और ना ही कोई ठोस कारण जिस वजह से उसका संलग्नीकरण किया जाए, जिसको लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ब्लॉक इकाई डोंगरगढ़ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि इसे निरस्त कर उनके मूल पदस्थापना में पदस्थ किया जाए। आ,
आज हम लोग कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ब्लॉक इकाई डोंगरगढ़ के द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपे हैं। इसमें जनपद पंचायत डोंगरगढ़ के अंतर्गत कार्यरत हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं छत्रपाल ठाकुर जी, जिनका संलग्नीकरण छुरिया में कर दिया बिना कारण, किसी तरह का कोई दोष नहीं, न ही किसी तरह का कोई शिकायत, बावजूद छुरिया में संलग्न कर दिया। तो इस बीच सुकमा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, नक्सलियों ने जेसीबी में लगाई है आग। कन्या आश्रम निर्माण में लगी थी जेसीबी और ग्राम पंचायत भेजी में हो रहा था निर्माण, ऑपरेटर और हेल्पर को भी नक्सलियों ने जमकर पीटा। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की सुकमा से आपकी टीवी स्क्रीन पर। नक्सलियों ने एक जेसीबी में आग लगा दी। आपको बता दें कि कन्या आश्रम निर्माण में जेसीबी को लगाया गया था, इस दौरान नक्सलियों ने ऑपरेटर और हेल्पर को भी जमकर पीटा। यह हमको तस्वीरें घटनास्थल की दिखा रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने एक जेसीबी को आग के हवाले कर दिया। साथ ही साथ नक्सलियों ने यहां ऑपरेटर और हेल्पर को भी जमकर पीटा है। सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो चुकी है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर, नक्सलियों का आतंक यहां कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नक्सलियों ने जेसीबी में आग लगाई है। सक्ती में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ने अपने स्थापना के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ग्राम जामपाली में स्वर्ण दशक मेला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बैंक के अधिकारियों ने सभी आगंतुकों को बैंक के विभिन्न जमा और ऋण से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही इस मेले में 40 लाख रूपये में कुल 22 केसीसी स्वीकृत किए गए और 17 महिला स्वयं सहायता समूहों का 31 लाख रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया। और इस दौरान ब्लॉक टाइगर समूह ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बैंक के विभिन्न योजनाओं को सरकार के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का मंचन किया। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक द्वारा स्वर्ण दशक मेले का आयोजन आज ग्राम जामपाली में किया गया है। हमारा बैंक जो है वो अपने 10वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और उसी को मनाने हेतु हमने इस मेले का आयोजन किया, जिसमें बैंक के विभिन्न प्रोडक्ट की जानकारी दी गई, बीमा के उत्पादों के बारे में बताया गया एवं इस मेले में 22 नए केसीसी स्वीकृत किए गए कुल राशि 40 लाख की एवं 17 महिला स्व सहायता समूह को कुल 31 लाख की ऋण स्वीकृति दी। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।